बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। जी मेरे भाई, क्या हाल चाल हैं आप लोगों के? ये हम आइटम 23 का क्वेश्चन नंबर 1 करने लगे हैं अभी, जो कि IS-8 प्लस IS-1 का स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी का सवाल आया था। 9 मार्क्स का ये क्वेश्चन बहुत आसान था, बट ICAP के कमेंट्स के हिसाब से इसमें से सबसे कम बच्चे पास हुए हैं। उसकी वजह ये नहीं कि सवाल स्टूडेंट्स को आता नहीं था, बस ये होता है कि सवाल की जो लेंथ थी वो बहुत बड़ी थी, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स थोड़े से घबरा गए। तो याद रखें, सवाल वही पेपर में आता होता है जो आपको भी आता होता है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो इस क्वेश्चन में अगर आप गौर फरमाएं, पहले तो रिक्वायरमेंट को देखें कि उसने पूछा क्या है। सबसे पहले वो रिक्वायरमेंट में पूछता है जनाब के ब्रीफली डिस्कस हाउ द अबव चेंजेस शुड बी इनकॉर्पोरेटेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। के 3 नंबर का पूछा है कि वो जो ऊपर आपको चेंजेस बताई हुई हैं, उनको आपने क्या समझना है, किस तरह से, प्रोस्पेक्टिवली या रेट्रोस्पेक्टिवली, मतलब कैसे डील करना है आपने, वो आप डिस्कस करें। ये कैलकुलेशन वाला नहीं था, डिस्कस करके बताना था। तो हमने सिंपल ये बताना है कि सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि ये अकाउंटिंग पॉलिसी है या अकाउंटिंग एस्टिमेट है और इसका इफेक्ट क्या लेना है। फिर दूसरा पार्ट अगर देखें तो लिखता है प्रिपेयर रिटेन अर्निंग कॉलम। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का सिर्फ एक कॉलम बनाना है, सिर्फ एक, और वो कौन सा बनाना था, रिटेन अर्निंग का। वो तो बहुत ही आसान होता है, और ये 6 नंबर का सवाल था। मतलब अगर इस सवाल के ऊपर तो 9 नंबर के सवाल में 15 मिनट भी नहीं लगते और ये सवाल हो जाता है। लेकिन ICAP के रिमार्क्स के हिसाब से इसमें बहुत कम स्टूडेंट पास हुए, वजह कि इन लोगों ने इतना बड़ा सवाल देखकर इसको पढ़ने की भी कोशिश नहीं की, और बाकी सवाल करने के बाद जब यहां पर पहुंचे तो टाइम इतना कम था कि ये सवाल फिर हैंडल नहीं हो पाया। तो जनाब लिखा हुआ है कि आपके पास दिसंबर 2022 में, वो कुछ एक्सट्रैक्ट बनाकर दे रहा है, कहता है जी 2020 में ये रिटेन अर्निंग है सारा, 2020 में आपका बैलेंस रिटेन अर्निंग का था 928, फिर डिविडेंड था 114, फिर प्रॉफिट फॉर द ईयर 2021 528, फिर बैलेंस आ गया, फिर 2022 का प्रॉफिट और ये क्लोजिंग बैलेंस आ गया। ये रिटेन अर्निंग का एक्सट्रैक्ट बनाया हुआ है, एक तरह से ये रिटेन अर्निंग का एक्सट्रैक्ट बनाया हुआ है। कहता हुआ ये, द फॉलोइंग चेंजेस हैव नॉट बिन इनकॉर्पोरेटेड इन टू द ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ PL. PL has decided to change the method for valuation of inventory from FIFO to weighted average. The value of inventory under each method. बताओ पहले कि ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है या चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट है। चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, फाइफो से वेटेड एवरेज या वेटेड एवरेज से फाइफो। अब ये इनफैक्ट उसने ऊपर इनकॉर्पोरेट किया ही नहीं हुआ। हम यहां पर देखते हैं, याद रखें, जब भी आपको मैंने बताया था कि जब भी क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट बताया हो ना, तो नेक्स्ट ईयर वो ओपनिंग स्टॉक भी बनता है, नेक्स्ट ईयर वो ओपनिंग स्टॉक भी बनता है। तो हम सिंपल इसके इफेक्ट्स ले लेंगे, ऊपर प्रॉफिट के अंदर जाकर इनकॉर्पोरेट कर देंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखें जरा। नेक्स्ट एडजस्टमेंट में वो कहता है कि जनाब हुआ ये कि बैड डेट्स हमने इंक्रीज करने थे, डिसाइड किया है कि प्रोविजन डबल कर दें रिसीवेबल की। अब आपको पता है बैड डेट्स की प्रोविजन चेंज करना एस्टिमेट होता है, या कि आपकी किताब में लिखा हुआ है एस्टिमेट्स के नीचे, एस्टिमेट्स होता है ये आप सबको पता है,
और एस्टिमेट्स आपको पता है कि जिस साल का हो सिर्फ उसी साल लेते हैं, पिछले बैलेंस चेंज नहीं करते। हमारा साल 2022 है क्योंकि इसको प्रोस्पेक्टिवली लेते हैं। तो जनाब इसको डबल कर देंगे, 23 पहले था, मजीद 23 एक्सपेंस में लिख देंगे। प्रोविजन डबल करनी है ना, कहता द बैलेंस ऑफ द प्रोविजन, डिसाइड किया कि आप प्रोविजन डबल कर दें, और प्रोविजन इंक्रीज करेंगे तो बैड डेट्स हमारे बढ़ जाते हैं। इसमें मजे की बात यह है कि ना तो इस 15 का कुछ करना था ना 19 का कुछ करना था, क्योंकि चेंज इन एस्टिमेशन हमेशा प्रोस्पेक्टिवली लेते हैं और हमारा साल 2022 है। और इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात थी पॉइंट नंबर थ्री में। पॉइंट नंबर थ्री में कहता है कि पीएल हैज आल्सो डिसाइडेड रिकॉग्नाइज ऑल बोरोइंग कॉस्ट इनकर्ड एज एन एक्सपेंस। कहता है सारी बोरोइंग कॉस्ट को वो एक्सपेंस लिखना चाहता है। प्रीवियसली पहले बोरोइंग कॉस्ट रिलेटेड टू क्वालिफाइंग एसेट वर कैपिटलाइज्ड एज द पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ एसेट। तो प्रीवियसली वो बिल्कुल ठीक कर रहा है, अब वो चाहता है कि एक्सपेंस में लिख दे। याद रखें IS-23 कहता है कि जो बोरोइंग कॉस्ट क्वालिफाइंग एसेट के ऊपर आती है आप उसको एक्सपेंस आउट नहीं कर सकते, बल्कि वो एसेट की कॉस्ट का हिस्सा बनेगा। तो मेरे भाई इसका नो इफेक्ट, क्योंकि ये इजाजत ही नहीं है करने की। अगर भी पढ़ ले, टोटल बोरोइंग कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर 22, 21, 87, 59 रिस्पेक्टिवली ऑफ दीज 53 एंड 38 वर कैपिटलाइज्ड। वो मेरे भाई जो उसने कैपिटलाइज किया है वो कैपिटलाइज रहने दो, जो उसने किया हुआ है एक्सपेंस में वो एक्सपेंस में रहने दो। आप इस ये चेंज अप्लाई कर ही नहीं सकते, इजाजत ही नहीं IS-23 देता। तो इस पूरी एडजस्टमेंट को पढ़ के देख के इग्नोर करना था, और एक बात लिखनी थी बस नोट के अंदर कि IS-23 रिक्वायर करता है कि इंटरेस्ट ऑन क्वालिफाइंग एसेट मस्ट बी कैपिटलाइज्ड। तो इसलिए देर इज नो इफेक्ट, हमने इसको चेंज करना ही नहीं, ना ही कर सकते। तो सवाल खत्म हो गया जनाब, 9 नंबर का फ्री के मार्क्स से ये। लेकिन ऐसा हो नहीं सका, अनफॉर्चुनेटली बच्चों ने पूरे नंबर नहीं ले पाए। चले जनाब, पहला बात तो देखे ना कि पहला जो इसका 3 नंबर का पेपर सवाल था ना, वो था नंबर वन। हमने कहना था कि इट इज एन चेंज इन, इट इज चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, वो जो 5/4 वेटेड एवरेज है, ये पार्ट वन है, पार्ट ए है। एंड इट्स इफेक्ट, इसके इफेक्ट्स कैसे लेने हैं, इनकॉर्पोरेटेड रेट्रोस्पेक्टिवली। और दूसरा लिखना था मेरे भाई, इट इज चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट एंड इट्स इफेक्ट्स इनकॉर्पोरेटेड प्रोस्पेक्टिवली। फिर तीसरे में लिखना था IS-23 स्टेट्स दैट बोरोइंग कॉस्ट ऑन क्वालिफाइंग एसेट बोरोइंग कॉस्ट ऑन क्वालिफाइंग एसेट शुड बी कैपिटलाइज्ड, सो देयर इज नो इफेक्ट ऑफ, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ दिस ट्रांजैक्शन, क्योंकि चेंज करने की इजाजत ही नहीं है। तो जो पहले लिखा हुआ है वही सही लिखा हुआ है,
तो जनाब ये 3 नंबर का सवाल आपका था ए पार्ट, कि सिर्फ लिखना था ये अकाउंटिंग पॉलिसी है या अकाउंटिंग एस्टिमेट है। और उसके बाद तो सवाल इंतहाई आसान था, सिंपल जरा क्वेश्चन अपने सामने रखिएगा प्लीज। ये देखें मैं आपको पहले इसका इफेक्ट बताता हूं, इनके डिफरेंस लें पहले, 438 माइनस 460, 438 माइनस 460 22, आपका 22 से क्लोजिंग स्टॉक में फर्क आया, और ये फिर ओपनिंग स्टॉक का फर्क भी बनेगा अगले साल। अगर ये 2020 में क्लोजिंग स्टॉक है तो 2021 का ओपनिंग स्टॉक भी है, तो 438 से 460 हो गया, स्टॉक बढ़ गया, स्टॉक बढ़ने से प्रॉफिट बढ़ जाएगा और अगले साल का प्रॉफिट 22 से कम हो जाएगा ओपनिंग स्टॉक की वजह से। किसकी वजह से? क्योंकि जो पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक है वो अगले साल का ओपनिंग स्टॉक भी बनता है। बल्कि मैं यहां पर आपको वर्क कर देता हूं, देखिएगा जनाब, यहां पर हम लिख लेते हैं ओपनिंग स्टॉक, यहां पर लिख देते हैं क्लोजिंग स्टॉक, और यहां पर लिख लेते हैं इफेक्ट। लो जनाब, 2020 में हुआ यह कि ओपनिंग स्टॉक तो कोई चेंज नहीं आया, नो चेंज ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक में चेंज आया है, 22 से क्लोजिंग स्टॉक बढ़ गया है। अगर क्लोजिंग स्टॉक बढ़ गया तो समझो 22 से आपका प्रॉफिट बढ़ गया है, 2020 में 22 से आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा जो आपने पहले इनकॉर्पोरेट नहीं किया हुआ। 2021 में जो पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक था वो अगले साल का ओपनिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक तो बढ़ गया लेकिन ओपनिंग स्टॉक का जो प्रॉफिट के साथ रिलेशन है वो एडवर्स इनवर्स रिलेशन है, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक कॉस्ट ऑफ सेल में ऐड होता है, तो कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ने से हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा। और आपको मैंने वैसे भी बताया था कि आप डायरेक्ट याद रखो कि जो भी क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट होगा ना प्रॉफिट के ऊपर वो ओपनिंग स्टॉक का उलट ही होगा। फिर आगे देखिए जनाब, यहां पर आपका नेक्स्ट इनके दरमियान डिफरेंस देखें, 560 से 520, 40 से आपका क्लोजिंग स्टॉक कम हो रहा है, 40 से क्लोजिंग स्टॉक कम हो रहा है, तो क्लोजिंग स्टॉक कम होने का मतलब है प्रॉफिट कम हो रहा है। ओवरऑल इफेक्ट देखें तो जनाब 62 से आपका प्रॉफिट कम हो गया, 2022 में 40 से प्रॉफिट बढ़ जाएगा, वो पता है ना, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक कम हुआ तो ओपनिंग स्टॉक बढ़ जाएगा। तो ये मैं प्रॉफिट का इफेक्ट लिख रहा हूं, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट नहीं लिख रहा, ये उसका इफेक्ट लिख रहा हूं। ओपनिंग स्टॉक कम होगा तो ओपनिंग स्टॉक कम होने की वजह से हमारा प्रॉफिट ज्यादा आएगा, और 2023 का अपना इफेक्ट क्या है, 601 से 618 17 तो ओवरऑल बढ़ गया, ये बढ़ गया, कम हुआ 601 से 618 बढ़ गया, और क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा तो प्रॉफिट बढ़ जाता है, तो जनाब 57। लो जनाब, आपका जो प्रॉफिट है 2020 का जो प्रॉफिट है वो चेंज होगा जनाब 2022, जो 2021 का प्रॉफिट कम हो जाएगा 62 और ये 57। लो मेरे भाई, सवाल के अंदर था यही बस। अब देखिएगा जरा, जो प्रोविजन है वो प्रोविजन तो सिर्फ करंट ईयर में चेंज होगी, और वो 23 थी, डबल हो जाएगी 46 हो जाएगी, लेकिन 23 ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, हम सिर्फ 23 से अपना प्रॉफिट कम करेंगे, और डबल होने का मतलब नहीं कि डबल को, सिर्फ 23 से प्रॉफिट कम करेंगे, क्योंकि 23 से तो पहले कम हुआ हुआ है, हमने 23 बढ़ानी है। और जो पिछले दोनों सालों की प्रोविजन है, क्योंकि ये चेंज इन एस्टिमेशन है इसलिए कोई इफेक्ट नहीं करेंगे, तो ये सिर्फ 2022 का प्रॉफिट चेंज करेंगे बस। मेरे भाई सवाल आपको हो गया। अब जरा देखिएगा
इसकी प्रेजेंटेशन देख लें। सबसे पहले ऊपर नाम लिख दो, अपना नाम नहीं लिखना, कंपनी का। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, ओनली रिटेन अर्निंग। उसने खुद कहा कि सिर्फ रिटेन अर्निंग का कॉलम बनाना है फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2022। रुपीज इन मिलियन है तो मिलियन लिखेंगे, थाउजेंड है तो थाउजेंड लिखेंगे। लो मेरे भाई, याद हो आपको स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का जब भी बैलेंस लिखना है सबसे पहले पिछले साल के स्टार्ट से शुरू करना है। बैलेंस एज ऑन या एज एट 31 दिसंबर 2020, ये पिछले साल का शुरू है। और वो कितना गिवन है बैलेंस? 928। आओ जरा सवाल के ऊपर दोबारा, फैक्ट तो हमने लिख लिए, यहां पर देखें 928। ओके की बात। अब इसके अंदर जो भी 2020 या उससे पहले इफेक्ट्स आए हैं, इफेक्ट्स ऑफ चेंज अकाउंटिंग पॉलिसी की वजह से या एरर की वजह से, जो भी इफेक्ट है उसको कलेक्टिवली लेकर इसमें अगर प्रॉफिट बढ़ा है तो प्लस कर दो, और अगर प्रॉफिट कम हुआ है तो माइनस कर दो। 2020 में हमारा प्रॉफिट चेंज हुआ था 22 से, तो इसमें ऐड कर दो 22, ये कितना आ जाएगा? 950। आप इसे लिख सकते हो बैलेंस एज एट 31 दिसंबर 20 रीस्टेटेड। पहला काम क्या करते हैं स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के अंदर रिटेन अर्निंग में, कि अगर कोई एरर वगैरह आए हैं तो पिछले साल के ओपनिंग बैलेंस के अंदर सारा एडजस्ट कर दो, फिर करंट ईयर का सही प्रॉफिट ऐड कर दो। ऐड प्रॉफिट 2021 रीस्टेटेड। अब प्रॉफिट रीस्टेटेड कैसे आएगा? पुराना प्रॉफिट आपको गिवन है 258, और 258 में 62 माइनस कर दो। ये कौन सा 62 है? वो जो ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस की वजह से आया था। 258 माइनस 62 करो जरा कितना आ गया? 258 माइनस 62 196, और इसमें से लेस कर देंगे ड्रॉइंग्स सॉरी डिविडेंड, वो 114 है। जो डिविडेंड है ना वो शेयर कैपिटल के ऊपर आई होंगी इसलिए चेंज नहीं हो रही, वो प्रॉफिट के ऊपर नहीं है, होती प्रॉफिट में से हैं लेकिन मोस्टली किसके ऊपर दी जाती है? शेयर कैपिटल के ऊपर। तो 950 प्लस 196 माइनस 114 आपका बैलेंस आ गया 1032 बैलेंस एट 31 दिसंबर 21 रीस्टेटेड। वो बात समय लग रही है ना? वो सवाल हो गया आपका, प्रॉफिट ऐड कर दो इसमें 2022 का करंट ईयर का, और इसके साथ रीस्टेटमेंट लिखते होते क्योंकि ये करंट ईयर है ना। 328 328 में प्लस कर दो 57, वो वाला जो ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक का डिफरेंस है, और जो डबल की थी प्रोविजन 23 वो माइनस कर दो। क्यों माइनस कर रहे हैं? क्योंकि प्रोविजन डबल हुई थी 362। लो सवाल हो गया जनाब, बैलेंस एज एट 31 दिसंबर 21
और जिसने लास्ट टाइम ये सवाल नहीं करके आए और आपने देखा कि सवाल कितना आसान था, बस आई कैप थोड़ा परेशान कर देता है। ठीक है जनाब, चलें जनाब, बाकी इंशाल्लाह मैं बाकी भी सवाल आपको शेयर करता हूँ, तो ये सवाल आप कर लीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।